आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी, जो के बहुत ही लंबे समय से, जब से बंबई में दंगे हुए 92-93 से, तब से ही इस मुद्दे पर, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर और अमन और शांति के मुद्दे पर, कि इस देश में और समाज में कैसे शांति और अमन आ सके, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन का अभियान बना लिया है और वो उस पर लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उस पर व्याख्यान देते हैं और उसके लिए रास्ते पर कार्यकर्ताओं के साथ भी खड़े रहते हैं। तो ऐसे राम पुनियानी जी आज हमारे साथ हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पूरे देश में जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री गए और उन्होंने वहाँ पर उसकी भूमि पूजन किया, तो इस पूरे मुद्दे पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, हमारे जो संविधान के बेसिक प्रिंसिपल हैं उसके आईन में। जी, पहले तो शकील आपका बहुत धन्यवाद और आपने मेरे बारे में जो परिचय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं शकील का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैं अपने दर्शकों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि शकील स्वयं इन मुद्दों से काफ़ी जुड़े हुए हैं और वो भी कई सालों से सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए काम करते रहे हैं और जनता का आईना ये जो चैनल है आम लोगों तक इन सकारात्मक बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, ये तो एक बात हो गई, तो मैं इसलिए अपील करूंगा कि जनता का आईना ये जो चैनल है इसको आप ज़्यादा इसका प्रचारित करें, इसको देखें, ताकि एक सही समझ समाज के बारे में हमारे तक आए और लोगों तक। अब इसी के साथ जो आपने सवाल पूछा शकील की, ये राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है वो प्रधानमंत्री खुद उसमें गए और प्रधानमंत्री पूरा एक धार्मिक ड्रेस, जिसको कह सकते हैं, उसके लिए मेरे पास और कोई शब्द तो है नहीं, पूरे प्रकार से एक धार्मिक ड्रेस में वहाँ गए और उन्होंने, उस समय आरएसएस के मुखिया भी वहाँ थे और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो आज यहाँ भूमि पूजन हो रहा है ये भगवान राम की मुक्ति है। जैसे 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, वैसे आज भगवान राम यहाँ आज़ाद हो रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी बताया कि ये सदियों का संघर्ष रहा है जिसके बाद ये भूमि पूजन करने का अवसर हमें मिला है। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में एक लंबा इतिहास है, पर राम मंदिर के बारे में कोई आंदोलन 1980 के दशक के पहले नहीं था। ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि सालों से लोग कोशिश करते रहे हैं कि यहाँ भगवान राम का मंदिर बने, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। खैर, इतिहास की बाकी बातों पर मैं नहीं जाता, केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दी, जिसको आरएसएस संघ परिवार के लोगों ने टेक ओवर कर लिया और अभी वहाँ एक बड़ा भव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और तो ये पूरी जमीन हिंदू पक्ष को दे दी और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस जगह पर दो बड़े अपराध हुए हैं। वो अपराध एक था 1949 में, जब एक आपराधिक तरीके से भगवान राम की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा गया, और दूसरा अपराध था 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद को एक आपराधिक तरीके से तोड़ा गया और लिबरहैन कमीशन आया। लिबरहैन कमीशन ने भी बताया कि इसमें जो संघ परिवार से जुड़े हुए लोग थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी के लोग जुड़े हुए थे और खास तौर से 3 लोगों का उन्होंने विशेष नाम लिया, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, जिनके ऊपर अभी भी इस बारे में मुकदमे चल रहे हैं। तो पहला तो ये, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पहले भगवान राम का मंदिर था। निश्चित रूप से कुछ पुरातत्व वेत्ता कहते हैं कि वहाँ ऐसे प्रमाण मिले जैसे वहाँ मंदिर हो, पर पूरी जो उसका लुब्बो लुआब ये है कि वहाँ भगवान राम का ही मंदिर था, भगवान राम का जन्म वहीं पर हुआ था, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की। खैर, अब सरकारी पद पर रहकर ऐसे धार्मिक मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्च का कार्यक्रम में भाग लेना उचित है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से भारतीय संविधान के मूल्यों के हिसाब से उचित नहीं है।
और इसके बारे में मैं आपको प्यारी घटना बताऊंगा, प्यारी घटना इसे क्योंकि मुझे बहुत अपील करती है। आजादी के बाद कई लोगों ने बात उठाई कि सोमनाथ के मंदिर को सरकार ने फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि विदेशी लुटेरे महमूद गजनवी ने इसको लूटा था। अब वो एक अलग कहानी है जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में बताने की कोशिश की है कि मंदिर क्यों तोड़े गए, उनके पीछे धर्म का कारण था या संपत्ति का कारण था, वो सब चीजें मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर मैं एक बताऊंगा कि जब इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात हुई तो महात्मा गांधी, जिन्होंने भारतीय आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद चर्च बनाना ये सरकार का काम नहीं है, ये समाज अपने आप में सक्षम है कि वो अपने मंदिर या मस्जिद या चर्च बना सके। और उन्हीं के शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो इस मंदिर का उद्घाटन करने जाना चाहते थे। तो पंडित नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री थे, जिनकी बात को सुना जाना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रपति जो निर्णय लेता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से होते हैं, तो पंडित नेहरू ने कहा कि मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आप मत जाइए। पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए, एक निजी हैसियत से गए, ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने नहीं किया। हमारे संविधान की पोजीशन इसमें बहुत क्लियर है कि सरकारी पद पर रहकर आप धार्मिक कार्यक्रमों में भाग आपने नहीं लेना चाहिए। और इसके आगे की एक बहुत जो अच्छी घटना है जिसका हमने पालन करना चाहिए, एक तरफ गांधी ने कहा कि सरकार इसमें बनाने का काम नहीं करेगी, नेहरू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में इसका उद्घाटन नहीं करेंगे। बाद में जाकर पंडित नेहरू ने जो यहाँ इंडस्ट्रीज की नींव रखी, पब्लिक सेक्टर, जो एजुकेशन और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स की नींव रखी, IIT, CSIR वगैरह, और साथ ही साथ उन्होंने जो इरिगेशन सिस्टम, भाखड़ा नंगल बांध और दूसरे बांध का बनाया, तो पंडित नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि मंदिर तो बनाना चाहिए, पर मंदिर कौन सा? वो मंदिर जिसमें मुझे शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें मुझे नौकरी मिले, जिससे समाज का विकास हो। तो खैर वो एक अलग बात है, पर अभी इसी राम मंदिर के जो नाम पर जो आंदोलन चला, आजादी के आंदोलन ने अलग अलग धर्मों के लोगों को, अलग अलग भाषाओं के लोगों को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक भारतीय पहचान में जोड़ा। इट यूनाइटेड द पीपल, इसने एक यहाँ बंधुत्व को तैयार किया। और जहां तक राम मंदिर का आंदोलन है जो संघ परिवार के नेतृत्व में चला, उसने यहाँ के हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई बनाई। तो ये उन सिद्धांतों से पूरी तौर से उल्टा है जो आजादी के आंदोलन के सिद्धांत थे, जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं। और भारतीय संविधान हमें यही बताता है कि जो सरकार का काम है कि वो धर्म के मामलों में दखलअंदाजी न दे, और सरकार की नीतियों का नियंत्रण, उनका डायरेक्शन, उनका ये धर्म के गुरुओं द्वारा या धर्म संस्थाओं द्वारा नहीं होना चाहिए। तो मेरी राय में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, और मुख्य रूप से उससे आम हिंदुओं को कितना फायदा होगा ये सोचने की बात है। कई हिंदू ऐसा बताया जाता है कि बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, एक मंदिर बन रहा है, एक सार्वजनिक जगह बन रही है जहाँ लोगों की भावनाएं पूरी होंगी। पर जहां तक लोगों के मूल मुद्दों का सवाल है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं केवल इतनी बात को कहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और हमारे आजादी के आंदोलन के मूल्य जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इनके जीवन में हमको दिखते हैं, उसका पालन होना चाहिए। तो इस बात पर मुस्लिम कम्युनिटी ने जो एक चुप्पी रखी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उन्होंने किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं दी, वो एक अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी मंदिर वगैरह की बात छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं अभी काशी में मंदिर बनेगा, मथुरा में मंदिर बनेगा। तो खैर सवाल यह है, समाज इन मंदिरों का निर्माण कर सकता है, पर सरकार ने इस प्रकार के मंदिरों को छोड़कर यहाँ के लोगों के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए
जहाँ किसान लोग आत्महत्या ना करें, नौजवानों को नौकरी मिले और यहाँ आम लोगों को मुख्य जो हम उनकी सुविधाएं जीवन की हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए अगर सरकार काम करेगी तो हमारे समाज का ज्यादा बेहतरी होगी, ऐसा मुझे लगता है।